भारतीय किसान यूनियन ने पैंतरा बदल दिया है। नरेश टिकैत ने साफ कहा कि वो किसी भी दल को समर्थन नहीं दे रहे हैं। याद करिए, ये वही भारतीय किसान यूनियन है जो केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बलियान और भाकियों से बीजेपी में आए वरिष्ठ भाजपा नेता राजू अहलावत की नरेश टिकैत से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद वहां चुनावी समीकरण बदलने के आसार हैं। देखा जाए तो संजीव बलियान ने पूरे किसान आंदोलन के दौरान कभी भी टिकैत परिवार के खिलाफ कोई रोषजनक टिप्पणी नहीं की और अपनी इस रणनीति का अब संजीव बलियान फायदा उठा सकते हैं और ये इसलिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बुडाना सीट संजीव बलियान के वर्चस्व का सवाल बनी हुई है। उनका गांव कुटबी भी इसी विधानसभा का हिस्सा है। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने जोर शोर से सपा आरएलडी गठबंधन को समर्थन देने की खबरों का खंडन भी किया है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान यूनियन किसी भी सियासी पार्टी या गठबंधन को अपना समर्थन नहीं देगी। एक प्रत्याशी आशीर्वाद मांगने आया था, उसे सिर्फ आशीर्वाद दिया गया था, उसे समर्थन देने की कोई भी बात यहां पर नहीं की गई थी। टिकैत ने कहा कि यूपी में मजबूत विपक्ष के लिए योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर सीट से जीतना जरूरी है और राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि 21 को लखीमपुर भी वो जाएंगे। एक तो देखो कल वैसे तो कोई आ ही नहीं रहे, ये गठबंधन वाले ही आए और वहां किसान भवन में इकट्ठे हो रहे थे, वहां से कह दिया हमने भी भाई अपना इनका ख्याल रखो, सारी वो आए बातचीत। पर एक जो किसान संयुक्त मोर्चे की वो आए, हम थोड़ा सा उससे उसका जो बंधन है उससे हम थोड़ा सा बोल पड़े फालतू, ऐसे हमें करवाने होता। हम संयुक्त मोर्चे थे, बगल नहीं है, किसान संयुक्त मोर्चा सर्वोपरि है और इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं होने की। संयुक्त मोर्चे की बात है, जो कुछ बात कहनी मोटी हो भी गई होगी, उसे ये भी इलेक्शन नहीं है, किसी ने पर्चा नहीं भरा। तो या तो जो किसी भी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी होगा, किसी भी पार्टी का होगा, जो कर पहले टिकट साहब के जमाने से है या जो आते है, हम तो अपना वो का वही बना कर रखने और सब आशीर्वाद देने। वोट मांगने की बात यहां से कोई ना करे, सब तो बड़ी यही बात है। वोट मांगने के लिए ना आवे, आशीर्वाद के लिए आवे। जो कोई आवे यहां से, अपना टिकैत साहब की समाधि है, उनकी तस्वीर है, टिकैत साहब की है, चौधरी चरण सिंह की है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, लंजड़ा स्वामी की है, एक ऐतिहासिक प्रांगण है यहां से। तो यहां से तो आना चाह अपना, ठीक है, मैं आओ और अपना आशीर्वाद लो, अपना चुनाव लड़ो। कोई किसी भी पार्टी का होगा तो हम किसी के अनदेखे नहीं करने के, सब आशीर्वाद देंगे। हाँ, उसमें तो एक लहर थी जब सभी उसमें हो रहे थे, तो हमने भी कह दिया था, पर उसमें थोड़ी सी वह होगी ना, जो एक ये आंदोलन चला, जो 13 महीने आंदोलन चला, इससे बाहर नहीं जाने के हम, इसकी ऐसी बात नहीं। जो एक प्रतिबंध है, 40 संगठन है, किसान संयुक्त मोर्चा है, तो उससे बाहर नहीं जाया जाने का, हम अकेले नहीं जा सकते, हमें भी निकाल देंगे, वो जी भी क्या ठीक रहेगी बातचीत। तो इसमें तो यही है बात, उससे बगल नहीं जाया जाने का, ठीक है, सबका एक वो है। आगे बहुत लंबा चलेगा ये संयुक्त मोर्चा, जो पंजाब में भी चुनाव है, उत्तराखंड में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, तो सारे को लागू होगी ये बात। नहीं आवेंगे, ऐसा आवेंगे, उनका उनका पूरा स्वागत रहेगा सर, चाय पानी का। सब पहले नहीं आए हुए सर, इसमें क्या भाजपा की ऐसी थोड़ा ही बात है कि भाई भाजपा कैंडिडेट कोई हमारा दुश्मन है।